अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम एक शॉर्ट सा टॉपिक करेंगे। आपने बहुत से डिजीज में सुना होगा कि हम हेमाटोक्रिट लेवल चेक करते हैं, जैसे डेंगू में हो गया, मलेरिया में हो गया, हम हेमाटोक्रिट लेवल चेक करते हैं। तो वो हेमाटोक्रिट है क्या? हेमाटोक्रिट क्या होता है? वो नंबर ऑफ़ आरबीसीज होते हैं, उसका एक रेशो है, नंबर ऑफ़ आरबीसीज डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ठीक है, कि आरबीसीज कितने हैं ब्लड में, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेमाटोक्रिट, कि पूरे ब्लड में कितने नंबर ऑफ़ आरबीसीज है। तो वो उसको कैसे हम निकालते हैं? एचबी से हम उसको, हेमोग्लोबिन से हम उसको कैसे निकालते हैं, तो वो मैं आपको आज एक शॉर्ट सा तरीका बताऊंगी। तो वो क्या है कि हमें जैसे कि पता है कि हमारा एचबी कितना होता है फीमेल्स के लिए 12 to 16, और एचबी फॉर मेल्स कितना होता है 14 to 18। तो हम इससे हेमाटोक्रिट कैसे निकालेंगे? तो शॉर्ट सा ट्रिक है कि हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास फीमेल्स के लिए जो हेमाटोक्रिट लेवल है वो आ जाएगा। और फिर जो मेल्स के लिए इस तरह, इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो एच बी है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें हेमाटोक्रिट देगा। ठीक है, इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी, और इसके लिए हमारे पास फिर हेमाटोक्रिट का रेंज आ जाएगा कि 14 × 3 और 18 × 3। और जिस तरह फीमेल्स के लिए भी 12 × 3 और जब हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 36, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48। इस तरह से फीमेल्स का, फीमेल्स में जो हेमाटोक्रिट का रेंज है वो क्या है, 36 to 48 नॉर्मल, और मेल्स में कितना है, ये इनका एच बी है तो 42, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी, और इस तरह इस फार्मूले को यूज़ करके आप जो है किसी भी पेशेंट का वो है हेमाटोक्रिट निकाल सकते हो उसकी एच बी से। अगर उनका एच बी जितना भी आया हो, आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या आएगा, आपको उनका हेमाटोक्रिट लेवल पता चल जाएगा, और आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे कि इस पेशेंट का हेमाटोक्रिट कितना है। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और आप किसी भी पेशेंट का वो हेमाटोक्रिट है वो निकाल सकोगे। थैंक यू।